स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सभी कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन 2024 में समाप्त हो चुके हैं। प्रैक्टिकल के एंड सीबीटी के दोनों एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जगहों पे 9 सितंबर को एग्जाम खत्म हो गए थे एंड कुछ जगहों पे 12 सितंबर तक भी एग्जाम चले, आई होप, जहाँ तक मुझे पता चला था। और इसके बाद से जैसे एग्जाम हो जाता है, हम सभी को सबसे ज़्यादा अगर वेट होता है किसी चीज़ का तो वो होता है हमारी जो मेहनत थी, हमारा जो परिश्रम था, जो हमने किया एग्ज़ाम के लिए, उसके रिजल्ट का। तो आप लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे एंड ऑफिशियल क्या अनाउंस किया डीजीटी ने, कब आपका रिजल्ट आएगा, कैसे आप उसे चेक कर पाएंगे, उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको रिजल्ट आने के बाद पल पल की अपडेट हम ज़रूर प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में अब आपको फोकस करना है कि आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या रास्ते आपके लिए हो सकते हैं एंड जॉब और अप्रेंटिसशिप कई सारी जो आएंगी उनके आपको फॉर्म भरने होंगे, उनकी तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आप लोग टेक स्टडी आईटीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम बहुत जल्द सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी के लिए PDF, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बड़ी मिनिमम कॉस्ट में। आप ये मान के लिए 50-60 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाया करेगा, पूरी बुक का PDF मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 30 जुलाई को रिवाइज शेड्यूल आया था DGT का, इसी के माध्यम से इसमें हम बात करने वाले हैं। अब रिवाइज शेड्यूल में 4th रिवीजन किया गया था एंड इसमें आप सभी के जो एग्जामिनेशन थे वो देखिए कब से स्टार्ट हुए थे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके जो स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, ठीक है। और CBT एग्जामिनेशन आपके कब से स्टार्ट हुए, तो CBT एग्जामिनेशन आपके 22 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक दिए गए थे, तो 9 सितंबर को ही कंप्लीट हो गए थे। ये रिवाइज डेट आपकी थी, यानी 12 तक नहीं गया था कहीं पे भी एग्जाम। एंड इसके बाद अगर बात करें रिजल्ट पब्लिकेशन की, तो DGT ने यहीं पे कहा था कि हम 15 सितंबर 2024 को रिजल्ट पब्लिश करेंगे, यानी 15 सितंबर, यानी कि कल आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं इस बार हम रिजल्ट कहाँ पर देखेंगे, क्योंकि NCVT MIS तो इस बार एप्सोलेट कर दिया गया, उसको तो हटा दिया गया पूरी तरह से सिस्टम से। आया क्या है पिक्चर में इस बार, SIDH, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल हब आपको पिक्चर में इस बार दिख रहा है। तो रिजल्ट आपका किस पे पब्लिश होगा, SIDH पे या NCVT MIS पे, आप कहाँ चेक कर पाएंगे, आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपनी कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस बार सारी चीज़ें आपकी कहाँ से होंगी, आपके स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से ही होंगी। NCVT MIS पोर्टल से सारी चीज़ों को वहाँ पे मूव किया जा चुका है, तो पूरे चांसेस यही हैं कि आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब वहीं से, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे ऐसे आप अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट रिजल्ट सारी चीज़ें वहीं पे देख पाएंगे। बाकी जैसे ही लिंक अवेलेबल होती है रिजल्ट चेक करने की, आप सबको हम टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। 15 सितंबर ऑफिशियल डेट है, रिजल्ट आपका आ जाएगा मॉर्निंग में ना सही, या आज रात से भी आ सकता है रिजल्ट। 14 सितंबर को रात में भी रिजल्ट पब्लिश हो सकता है वेबसाइट पर, या 15 सितंबर को आएगा। जब आएगा तो इनिशियली एक बार वेबसाइट पर रस बढ़ेगा, तो हो सकता है आप लोग चेक भी ना कर पाएँ, बट स्लोली वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और आपका फाइनल आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। और एक बड़ी बात, 15 को आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, फोटो आप सबने अपडेट करा दी होगी, अगर नहीं अपडेट कराई है तो अभी भी चांस है, जाके ITI में अपने फ़ोटो अपनी ज़रूर अपडेट करा दीजिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं आया था उस केस में, नहीं तो आपका रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। एंड तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जैसे ही आता है आप सारी चीज़ें उसमें चेक कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रोफाइल ग्रीवेंस का भी ऑप्शन आ सकता है, वो भी अगर आएगा नाम करेक्शन डेट ऑफ बर्थ करेक्शन तो उसको भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट डेट होगी आपकी 17 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा होता है इस दिन ITI में, और इसी दिन कन्वोकेशन सेरेमनी मनाई जाती है। ITI में जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिंट आउट करके उनको दिए जाएंगे, एज अ कि आप यहाँ पे जो प्लेस जिनकी लगी होती है जनरली कॉलेज में उन्हें दिया जाता है, बाकी कैंडिडेट्स को ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाता है या वो स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही पूरी रिजल्ट को लेकर अपडेट थी, उम्मीद यही है 15 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपके जो ड्राइंग और जो प्रैक्टिकल के और सेशनल के मार्क्स थे ऑलरेडी वो पोर्टल पर अपडेटेड हैं। जो आपका CBT का मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से ट्रांसफ़र हो जाता है NSEIT के स्किल इंडिया डिजिटल हब पे, एंड उन सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके फिर आपका रिजल्ट बना दिया जाता है। रिजल्ट कैसे बनाया जाता है उस पर हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे दिया था कि किस तरह से आपको 200 नंबर का सेशनल, 250 का प्रैक्टिकल और 150 नंबर की थ्योरी, कुल मिला के 600 का पूर्णांक आपका एक साल में होता है, और उसमें आप फिर नंबर स्कोर करते हैं, वहीं से आपका फिर परसेंटेज निकल के आता है। तो जैसे रिजल्ट को लेकर कोई और अपडेट आती आप तक हम जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, तब तक आप लोग इसका वेट करिए। एंड रिजल्ट से ज़्यादा अब आपको आगे अपना कैरियर चूज कर लेना है कि आपको किधर जाना है,
क्या करना है उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको आएगी कि क्या क्या रास्ते आपके पास हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आप किस एज ग्रुप में हैं, कैसी आपकी तैयारी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या पाथ अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो आएगी। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अपने कैरियर से रिलेटेड क्लैरिटी जरूर आएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। पढ़ाई स्टॉप मत कीजिएगा रिजल्ट आने के बाद, अभी तो आपका असली परीक्षा आप शुरू होगा। आईटीआई की परीक्षा तो आप 2 दिन में पढ़ के पास कर जाएंगे, बट जो अब एग्जाम आएंगे ना उनको 2 दिन पढ़ के कुछ नहीं होएगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी पढ़ाई मत स्टॉप कीजिएगा रिजल्ट आने के बाद भी, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। इसरो में भर्ती आई है, MDL में भर्ती आई है, कई जगहों पे परमानेंट जॉब अप्रेंटिसशिप ये सब आई हुई है, उसमें फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए और थ्योरी को पूरा कवर कीजिए, GK GS रीजनिंग इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट आप रेलवे में या अन्य डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।